ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। लेकिन किस्मत शायद साजिद का इम्तिहान लेने पर आमदा थी। वो फोन वैसे का वैसे वाइब्रेट करता हुआ ठीक ठाक सड़क पर पड़ा था और इस वक्त गली का एक कुत्ता गुर्राते हुए सामने पड़े उस फोन को उठाकर बार बार चबाने की कोशिश करता, सूंघता और गुर्राता हुआ भौंक रहा था। साजिद बहुत संभल के प्यार से उस कुत्ते को पुचकारता हुआ आगे बढ़ा तो उस कुत्ते ने एक झपट्टा मार के वो फोन अपने जबड़े में दबा लिया। साजिद ने उसे पुचकारना और हाथ बढ़ाना बंद नहीं किया तो कुछ देर के बाद उस कुत्ते का गुर्राना बंद हुआ और इसी के साथ जैसे ही साजिद ने फोन लेने को हाथ बढ़ाया तो जैसे एक रस्सा कसी सी शुरू हो गई उन दोनों के बीच में और आखिरकार किसी तरह उसने फोन छीन ही लिया। थोड़ी बहुत चोटें उसे जरूर आई थी लेकिन फोन लेकर वो सीधा अपने घर आया और घर आके मां के कमरे में झांक कर देखा। मां पूरी तरह से ठीक थी। अपने कमरे में जाकर उसने पूरा फोन ढंग से देखा। गैलरी, रिकॉर्डिंग, सेटिंग्स जो भी हो सकता था उसने सब चेक किया लेकिन शक करने या घबराने जैसा फोन में कुछ भी नहीं था। उसने फोन को टेबल पर रखा और सोचा कि अब सुबह ही देखेगा कि आखिरकार करना क्या है और लेटने को हुआ तो लेटते ही एक अजीब सी घुटन उसे महसूस होने लगी। सांस लेने में ऐसी दिक्कत कभी नहीं हुई थी। एसी की हवा से बिल्कुल ठंडे हो चुके उस कमरे में भयानक गर्मी सी लग रही थी। पसीना उसके पूरे बदन को जैसे भिगो के लथपथ कर चुका था और एक आवाज उस फोन में हुई। साजिद ने फोन देखा तो उसकी बैटरी लो थी, सिर्फ 2%। हालत तो साजिद की भी उस बैटरी के जैसी ही हो रखी थी। उसे खिड़की खोल कर भी राहत महसूस नहीं हो रही थी और इधर फोन बार बार लो बैटरी की आवाज किए जा रहा था। ऐसी हालत में चिढ़कर उसने गुस्से में अपना चार्जर उठा के फोन को चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाते ही साजिद की सारी दिक्कतें एक झटके में दूर हो गई। साजिद ने पानी पिया और अचानक उसे एक बात का खटका लगा। उस फोन को उठाकर उसने चार्जर को निकाला तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फेफड़ों में हवा रही ही नहीं और कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर तेजी से पसीना आ रहा था। उसने पलट कर देखा तो कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा था और एक आवाज आ रही थी। साजिद ने कांपते हाथों से दरवाजे पर खड़े उस आदमी की ओर देखते हुए उस फोन को दोबारा चार्ज पर लगाया और फोन को चार्ज पर लगाते ही न सिर्फ वो आवाज बंद हो गई बल्कि उसको आता हुआ पसीना, फूलती हुई सांस और अचानक आते चक्कर सब बंद हो गए। साजिद ने सोचा कि जाकर दरवाजे पर देखेगा कौन था और जैसे ही एक बार उसने फिर से चार्जर को निकाला वो
वही आदमी उसे सामने दोबारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार थोड़ा और करीब। एक बार फिर से साजिद का वही हाल था, उसकी सांसें फूलती जा रही थी और साजिद के सामने वो आदमी धीमे धीमे एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास तक आया और अचानक वो वहां से सीधा बाहर भागा और घर से ही बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल के साजिद भागता गया और थोड़ी ही आगे वही कुत्ता जिसके जबड़े से उसने फोन छीना था, उसने साजिद को दौड़ाना शुरू कर दिया और वो पूरी जान लगाकर भागने लगा। हल्की हल्की सुबह की रोशनी अब होने लगी थी। साजिद ने भागते भागते देखा कि आगे ही एक बस थी। वो झट से उस बस में चढ़ा और बैठकर सुस्ताने लगा। फोन को वो अपने घर पर चार्जिंग पर लगा के आया था तो बैटरी की दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। इस बला से जान छुड़ाए तो आखिरकार कैसे, यही सवाल उसे परेशान किए जा रहा था। सोचते सोचते ही सारी रात जागने की थकान से अचानक बस में बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे समझ ही नहीं आया। नींद में ही साजिद ने एक सपना देखा जिसमें ये बस तो थी लेकिन इसमें बैठे लोग नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सा मौत का सन्नाटा था। और अचानक साजिद ने देखा कि बस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो धीमे धीमे पलटा तो उसका चेहरा देखते ही साजिद को एक बार फिर से घुटन होने लगी, पसीना आने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे अभी के अभी जान निकल जाएगी। ये वही मरा हुआ आदमी था जिसका फोन उसने पुलिस स्टेशन में दिया था। वो आदमी उसे अपने पीछे देखने का इशारा कर रहा था। साजिद ने अपने पीछे देखा तो एक आदमी बैठा था, नीली शर्ट पहने, गोल फ्रेम का चश्मा, हल्की सी दाढ़ी। साजिद ने वापस बस के दरवाजे पर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था बल्कि बगल वाली सीट पर बैठा था। साजिद दूर हटना चाहता था लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी जान जैसे कुछ ही पलों में निकलने वाली थी। उस आदमी ने अपनी जेब से वही फोन निकाला और मुस्कुराते हुए साजिद की जेब में डाल दिया और पीछे बैठे उस आदमी की ओर इशारा करने लगा। साजिद चिल्लाता और हांफता हुआ बस में अपने सपने से जागा तो भीड़ और सड़क के ट्रैफिक की आवाजें वापस लौट आई और जेब में सचमुच वो फोन था जिसे वो घर पर चार्जिंग पर लगाकर आया था। इन सब के साथ वापस आ चुकी थी वही घुटन, पसीना और हांफना भी। साजिद ने बड़ी हिम्मत करके पीछे वाली सीट पर देखा तो नीली शर्ट, गोल फ्रेम का चश्मा, हल्की सी दाढ़ी और सवरे हुए बाल और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सचमुच वही आदमी बैठा था। साजिद समझ गया था कि उसे क्या करना था। उसने जेब से फोन निकालकर उस आदमी के सामने ऐसे गिराया जैसे गलती से गिर गया हो और बस से उतरने को बढ़ चला। नीली शर्ट वाले आदमी ने फोन उठाकर साजिद को रोकने के लिए आवाजें दी लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उस आदमी के उस फोन को उठाते ही साजिद बिल्कुल ठीक हो चुका था। साजिद भी उस आदमी की तरह बस से उतर के
कहीं मारा ना जाए, इसलिए सड़क के बिल्कुल किनारे फुटपाथ पर खड़ा रहा। और अचानक ही ऐसा चक्कर आया कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। ये आया था, उठ के कपड़े बदलने गया तो जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकला जिस पर लिखा था, इस बार तो बच गए पर अगली बार कोई भी लावारिस चीज मत उठाना, जरा संभल कर रहिएगा। वो फोन शायद किसी बस में, ऑटो में, टेम्पो, ट्रेन या फ्लाइट में, आप ही की बगल वाली सीट पर आपका इंतजार कर रहा हो। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।